समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्नाव के बांगरमऊ में अखिलेश सरकार के ढील प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने तय सीमा में और कम समय में काम पूरा होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में अब विकास का काम रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ बलिया एक्सप्रेस वे को भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमको अगर किसानों का सहयोग मिला तो सड़कें और बनाई जाएंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतरे, जिसके जरिए आगरा लखनऊ के बीच की तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी होगी और दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 6 घंटे में पहुंचना संभव होगा। नोटबंदी का आज 13वां दिन है। देश कतार में है। संसद में आज फिर नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आया। लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी पार्टियों ने आज राज्यसभा में हंगामा किया और नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी सांसदों ने आज भी प्रदर्शन किया। वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि इस फैसले को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान को आज 13 दिन का वक्त हो गया, लेकिन लोग अभी बैंकों और एटीएम के बाहर कतार में नजर आ रहे हैं। आज सुबह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर लोगों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना। राहुल फिर पहुंचे एटीएम में लोगों से मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इलाहाबाद पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर जन्मशति समारोह का आयोजन गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में किया गया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पुखराया में इंदौर से पटना जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। इंदौर पटना एक्सप्रेस में अब तक मृतकों की संख्या 130 के पार हो गई है। कानपुर के एसपी ने यह जानकारी दी है, जबकि तकरीबन 60 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और 150 लोगों को हल्की चोटें हैं। भीषण रेल हादसे में ट्रेन के ड्राइवर जलक शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि झांसे के बाद ही उन्हें खतरे के बारे में पता चला था, जिसके बारे में उन्होंने अफसरों को भी बताया, लेकिन अफसरों ने मामले को गंभीरता से लेने की जगह ट्रेन को कानपुर तक ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गड़बड़ी की जानकारी दी थी। जौनपुर पटना इंदौर ट्रेन में आज सुबह कानपुर के पास हुए हादसे के शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन की ओर से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें लोगों को कानपुर से ट्रेन में लोगों को बिठाकर वापस उनके घर सकुशल भेजने की व्यवस्था की गई। कानपुर देहात में हुए भीषण ट्रेन हादसे में घायलों की मदद के लिए रेलवे प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों की स्थिति में सुधार के बाद उनको घर तक भेजने के लिए रेलवे उन्हें मुफ्त पास बांट रहा है। कानपुर के पोखराया में हुए इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरने के हादसे को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि झांसी में एक और रेल हादसा हुआ है। आज झांसी में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण लोहे का एक खंभा टूट गया। कैबिनेट मंत्री जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण भारत सरकार उमा भारती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में मेरठ पहुंची। उमा भारती ने बताया कि 20,000 करोड़ से गंगा को स्वच्छ करने का अभियान देश में चलाया जा रहा है। गंगा 10 साफ नदियों में जल्द शामिल होगी। बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने दबंगई के साथ प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल दिल्ली का एक युवक अपनी प्रेमिका को लेकर खुर्जा पहुंचा। मामले की भनक लगते ही लोगों ने युवक युवती से नाम पूछा और प्रेमी युगल की जमकर धुनाई कराई। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर अवधारनगर में एक भंगार के गोडाउन में लगी भीषण आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया। उधर पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाके मैरू विहार फेज 3 में आग लगने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि घड़ौली में स्थित एक गोदाम में आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ।
रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 का पोस्टर ऑफ फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार का लुक रिलीज हुआ। 360 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है।